आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, और ये नतीजे इस बार बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल ने सरकार रिपीट की है। 1985 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि कोई राजनीतिक दल बैक टू बैक अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहा है, और इसको साधारण रूप से नहीं देखना भी चाहिए। ये बिल्कुल असाधारण है, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कई मायनों में इसलिए खास है क्योंकि इसमें लोगों को, यानी राजनीतिक दलों को, फर्श की बात और अर्श की बात समझा दी जाती है। कौन फर्श पे रह गया, कौन अर्श पे पहुंच गया, हर 5 साल बाद राजनीतिक दलों को ये बताया गया है 1985 के बाद। लेकिन 37 साल बाद आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने यहां से दोबारा जीत दर्ज की है? अगर बात करी जाए 2017 की, तो उत्तर प्रदेश में 2017 में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी तब उसे 39% वोट मिला था, और इस बार जो वोट प्रतिशत है वो करीब 42% हो गया है। तो लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी बढ़ते जा रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी को पिछले साल के, पिछले सरकार के मुकाबले 58 सीटें जो हैं वो कम मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे कई सारे जिले हैं, ऐसे कई सारे जनपद हैं जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्या कारण रहा? क्योंकि 5 साल का कार्यकाल, और उसके बाद जिस तरह से चुनाव में माहौल बना कि विपक्षी दल बिल्कुल से बीजेपी के एक एक चीज को गिनाने के लिए लगे हुए थे, जनता के बीच जाने में और बताने में लगे हुए थे कि आखिर सरकार की कमियां कहां रह गई हैं। लेकिन उसके बावजूद करीब 23 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, एक भी सीट वहां पे किसी भी विपक्षी दल को नहीं दी है, जिसमें आपका गोरखपुर है, महोबा है, हरदोई है, मथुरा है, पीलीभीत है, बुलंदशहर है, झांसी है, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, गाजियाबाद, ये सारे वो प्रमुख जिले हैं जहां पर बीजेपी ने एक भी सीट गंवाई नहीं है, और ये पूरब से लेकर पश्चिम तक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरब में ही ये हुआ है या फिर गोरखपुर मंडल में ऐसा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पश्चिम में भी हुआ है और यहां पर भी हुआ है। मिला जुला करके कुल 23 ऐसी सीटें हैं, 23 ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी ने एक भी सीट नहीं गंवाई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जिस तरह से सपा और आरएलडी गठबंधन के सक्रिय होने की बात कही जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि इस बार वहां पर जो जाट वोट बैंक है, जो किसान वोट बैंक है, वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और वहां पर भी जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल उलटफेर करने वाले आए। बीजेपी को वहां से भी बढ़िया मैंडेट, बढ़िया जो जनता का साथ है वो मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि जाट और किसान इस बार पूरी मन बना चुके हैं सपा के साथ जाने में, आरएलडी के साथ जाने में, उसके बावजूद नहीं जा पाए, तो कहां पर मैसेज नहीं पहुंचा पाई समाजवादी पार्टी या आरएलडी। इसके अलावा अहम बात यह भी है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अगर बात करें हारे हुए प्रत्याशियों की, तो बीजेपी में करीब ऐसे 10 मंत्री हैं जो इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी 270 प्लस जा करके अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बना रही है। 1985 के बाद 37 साल बाद ऐसा हो रहा है कि लगातार कोई राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो इसका कारण क्या रहा? कारण की बात करी जाए तो क्या यहां पर जातीय समीकरण काम कर गए? क्या यहां पर धार्मिक समीकरण काम कर गए? यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण काम कर गया? या फिर बीजेपी की तरफ से समाज कल्याण में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो काम कर गई? क्योंकि इन्हीं योजनाओं के बल पर पे लगातार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमने लोगों को राशन पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, बिजली के लिए काफी काम किया, किसानों के हित में काफी काम किया, बहुत सारी बातें जो कही गई और जिन योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई, उससे ये अब साफ साबित हो रहा है कि लाभार्थियों का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ जा चुका है। ये लाभार्थी कौन है? ये लाभार्थी ज्यादातर अति पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग है। ये अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग कभी समाजवादी पार्टी के साथ जाया करता था, और इसका एक बड़ा हिस्सा
बीएसपी के साथ जाया करता था, जो कि इस बार बीजेपी के साथ गया है और इसके पहले 2017 के चुनाव में भी गया था। ये मिथक है या फिर सच्चाई है, जो आप माने, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये एक जो बड़ा वर्ग लाभार्थी वर्ग है ये बीजेपी के साथ गया है और तभी उत्तर प्रदेश में इतना कुछ देखने को मिल रहा है। 1996 में या 2002 में अगर बात करी जाए तो उस दौरान जो वोटिंग प्रतिशत जीती हुई राजनीतिक दलों का हुआ करता था वो 26% 27% हुआ करता था, यानी कि 26% पे 27% पे उत्तर प्रदेश में सरकारें बना ली जाती थी। लेकिन 2017 से इसमें भी काफी कुछ बदलाव हो गया। 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई तो उनके पास 39% वोट थे और 2022 आते आते ये 42% हो गए हैं। तो ये भी एक प्रमुख लड़ाई है राजनीतिक दलों के लिए, जो अब 5 साल के लिए तैयारी करेंगे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। उनको अपने माइंड को यहां पर सेट करना पड़ेगा कि अगर उत्तर प्रदेश में ये चुनावी लड़ाई 5 साल बाद सही तरीके से जीतनी है, चाहे बीजेपी के खिलाफ बसपा की बात कर ले या बीजेपी के खिलाफ सपा की बात कर ले या किसी अन्य राजनीतिक दल की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो उनके दिमाग में ये बात होना जरूरी है कि अगर 40% से ज्यादा वोट बैंक उनके खाते में आएगा तभी वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकते हैं, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा प्रतिशत है वोट का। इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी की जीत की तो जाहिर सी बात है प्रचंड है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर उन्होंने क्लीन स्वीप मार दिया है और उन्हीं में से एक जिला रहा है लखीमपुर का, लखीमपुर खीरी का, क्योंकि पूरे चुनाव में किसानों की बात कही गई है, पूरे चुनाव में लखीमपुर जैसे मुद्दे भी काफी गर्म रहे हैं और ये कहा गया है कि किसान एकजुट होकर के इस बार बीजेपी का सफाया कर देगा। लेकिन लखीमपुर खीरी में जो 8 सीटें हैं वो 8 की 8 सीटें इस बार बीजेपी ने जीत ली। और इसके अलावा पश्चिम की बात करें तो बागपत, वो जगह जहां आरएलडी खुद को सबसे ज्यादा मजबूत बताती रही है, वहां से भी 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने अपने खाते में गिरा ली हैं। ऐसा नहीं कि खाली बीजेपी ही उत्तर प्रदेश में बेहतर चुनाव लड़ी है या बढ़िया चुनाव लड़ी है, समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका जो वोटिंग प्रतिशत है वो 32% से बढ़ के 2017 में जो 32% वोट बैंक उनके पास था वो इस बार 21% जो वोट बैंक था इस बार वो 32% हो गया है और 47 सीटों से बढ़कर के 100 सीटों के पार इस बार समाजवादी पार्टी चली गई है। 2,90,00,000 मतदाता इस बार समाजवादी पार्टी को पसंद करते हुए भी नजर आए हैं और करीब 3 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए हैं। तो ये 1 करोड़ का डिफरेंस जो था ये क्यों था, कौन सा वो मैसेज था जो समाजवादी पार्टी के नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचा पाए, क्या बीजेपी के जो सीनियर नेताओं की जो लॉबी सेट है वो लगातार जो चुनाव की तैयारियों में लगे रहे, लगातार जनता के बीच जाते रहे, क्या उसकी कमी समाजवादी पार्टी में या अन्य राजनीतिक दल में महसूस हुई। कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी लगातार पूरे चुनाव में सक्रिय रही, कई सीटों पर कांग्रेस ने अच्छी फाइट भी लड़ी है, कई मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच आए थे, नई राजनीति स्थापित करने की कोशिश की थी। प्रियंका गांधी ये जान रही थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काफी मजबूत नहीं है, हमें संगठन से लेकर के जमीन पर काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद वो जगह जगह जाकर के जनता से मिलती रही और उनको ये लगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनावी रणनीति है वो तय करी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर बसपा की बात करें तो बसपा की जो राजनीतिक स्थिति है वो काफी कुछ डामाडोल उत्तर प्रदेश में होती जा रही है। क्यों? क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री, 2012 में सरकार में रहना और उसके बाद इस बार सिर्फ 1 विधायक उनका जीत कर आया है, तो ये कहीं ना कहीं बसपा के लिए दिक्कतों भरी बात है। अच्छा, अब मैं इन चीजों पर चर्चा क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बसपा का कोर वोटर था वो आखिर गया कहां, वो गया बीजेपी में, जिसमें जो अभी थोड़ी देर पहले लाभार्थी वर्ग की बात कर रहा था उसमें। और समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो उसका भी जो लाभार्थी वर्ग, जो अति पिछड़ा वर्ग था, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी में गया है और वही वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से कामयाब हुई है जीतने में। बीजेपी की लाभार्थी स्कीम, कानून व्यवस्था, सोशल परसेप्शन या फिर मुजफ्फरनगर जैसी बातें, पश्चिम में टिकट बंटवारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा, ये सारी चीजें इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी अहम रही और उसी के बल पर उत्तर प्रदेश में ये जो नतीजे आए हैं ये आए हैं। तो कुल मिलाकर काफी कुछ चीजें इस बार के चुनाव में हुई हैं
और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी अहम रहती है और यहां से केंद्र की राजनीति भी तय होती है। तो जब दोबारा बीजेपी यहां से जीत कर आई है तो केंद्र की राजनीति और केंद्र के चुनाव के लिए ये चुनाव कितना अहम और ये जीत कितनी अहम होगी, इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी आरएलडी से कमी कहां रह गई, कांग्रेस कमी कहां रह गई और बीजेपी की वो कौन कौन सी प्रमुख बातें थी जो जनता के बीच सही तरीके से पहुंची और उसका नतीजा जीत में तब्दील हुआ। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चार राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। तो आज के इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ, फिर इस डिबेट को शुरू करूंगा। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा नवेश शुक्ल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं, प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शाही साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से वो प्रमुख फैक्टर रहे इस चुनाव में जो काम कर गए आप लोगों की तरफ से, क्योंकि जो एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली है और एक 37 साल बाद एक बड़ा इतिहास आप लोगों ने रचा है, आपको क्या लगता है कि कौन सी वो प्रमुख बातें थी जो काम कर गई और विपक्ष उस पर काम नहीं कर पाया? देखिए नितिन जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये विपक्षी दल जितने हैं सब जात पात पंथ धर्म में पलट कर रह गए, अपने आप उसी में रह गए कि इस जाति का ये ले लो, उस जाति का वो कर लो, ऐसे कर लो, तो हम जातियों में ये लोग फंस कर रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा मूल नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम लोग चले।
और उसमें एक हम लोगों ने वर्ग तैयार किया जो इस देश की आधी आबादी, महिला वर्ग हमारे यहाँ तैयार हुए। और उस महिलाओं के नाम से देखिए कितनी योजनाएं चली थी, सुरक्षा हुआ तो महिलाओं को, अगर राशन की बात थी, चाहे शौचालय की बात थी, मकान की बात थी, जो डीबीटी के माध्यम से तो बहुत सी योजनाएं जो चली, जिसमें प्रमुखता से हम लोगों ने उस वर्ग पर ध्यान दिया और ये लोग जात पर ध्यान देते रहे। पश्चिम में ये हुआ कि सारे किसान हमारे खिलाफ है, सभी लोग जाट खिलाफ है, मुस्लिम तो गए ही गए, लेकिन इस वर्ग में न जाति था, न पंथ था, न धर्म था, न मजहब था। उन लोगों को हमने तैयार किया, उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख सभी भाई हमारे थे और सभी माताएं बहने जिनको हमने सुरक्षा दिया, उन्होंने सुरक्षा के नाम पर हमको वोट दिया, जिसको अनाज दिया उसने अनाज के नाम पर हमको वोट दिया। तो ये उत्तर प्रदेश में एक वर्ग तैयार किया और इस पर एक ध्यान देने वाली बात, क्या इस वर्ग को लाभार्थी वर्ग कहा जा सकता है? आप इसको जो भी वर्ग कह सकते हैं, लाभार्थी कह सकते हैं इसको, हमारे लोक कल्याण के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के की योजनाएं चली लोक कल्याण की, उसने हम उससे ये लोग आच्छादित रहे, हमने उनके कठिन समय में उनके साथ हम खड़े रहे, उन महिलाओं की संवेदना देखिए, जिसकी 7 पीढ़ी से जिसके पास मकान नहीं था उसको हमने छत देने का काम किया, तो उसको चाहे लाभार्थी कहिए या जो कहिए, हमने वर्ग तैयार। ठीक है, ठीक। और ये नितिन जी एक लाइन से खत्म करूंगा कि जो जो वर्ग, ये वर्ग जो है 2014 से हम लोग एकदम अलग काम कर रहे हैं, सिर्फ अधिक ये जो हमारे विरोधी लोग हैं ये लोग हल्ला मचाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता पर जा रही है, जाति पर जा रही है। हम लोगों ने वो काम नहीं किया है, सिर्फ अकेला हमने जाति तोड़ने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, मिसम जैदी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए। मिसम भाई, ये एक लाभार्थी वर्ग की चर्चा मैंने भी की, आपने भी सुना होगा और शाही साहब भी उसी बात को कह रहे हैं। उस लाभार्थी वर्ग के लिए इस वक्त जो वोट था वो सबसे अहम था बीजेपी को देना, जो उसने दिया है, जिस तरह से नतीजे निकल कर आए उसे साफ साबित हो रहा है। अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी, कौन सा वो मैसेज आप लोग सही तरीके से जमीन पर नहीं उतार पाए, और क्या कारण आपको लगते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आप लोग सत्ता में नहीं? धन्यवाद नीति जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा शाही जी को कि काफ़ी समय से हमारे इनके जो हैं वो संबंध रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, इनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने। धन्यवाद आपका। और दूसरी बात, पहली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कमियों की बात है तो 100% परफेक्शन तो किसी में भी नहीं रहता है, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई कि जिसकी वजह से हम नहीं जीत पाए, उसका चिंतन मंथन आगे का विषय है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब मैं शाही जी की बात पर आता हूँ, लाभार्थियों की बात, अभी जो आपने सवाल पूछा कि लाभार्थियों का और देश के विकास और उन्नति और प्रदेश की जो बात कही है, ये मैंने उस वक्त नहीं देखा था धरातल पर जब चुनाव हो रहा था, तब इनके बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, कई सूबों प्रांतों के इनके गवर्नर रोड शो कर रहे थे, भाग भाग के रैलियाँ कर रहे थे। तो जब आपने इतना काम किया था, इतने लाभार्थी थे, तो देश में बहुत से काम होते हैं, प्रधानमंत्री के पास इतना समय तो नहीं होता है कि वो यूपी में आके डेरा डाल दे और आकर के यहाँ पर पूजा करना, उसी टाइम पर पूजा करना जिस टाइम पर चुनाव हो रहा हो, और लोगों को याद दिलाना। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय शाही जी ने, हमारे जो प्रवक्ता हैं और तमाम वो दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, अगर उन्होंने प्रदेश में इतना काम कर रखा था तो उनको कामों की सूची को, फेरिस को गिराना चाहिए था और अपने मैनिफेस्टो की बात करनी चाहिए थी, ना कि इतना दम खम बाहुबल करोड़ों रुपया देश का जो खर्च आया उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का, हमारे ही आपका कहीं ना कहीं जेब काटी गई, उसका भी हिसाब हमें आपको देना पड़ेगा। और जो राशन हम ले रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी ही जेब से जा रहा है, जो भी वैक्सीन फ्री मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जेब से जा रहा है, और आने वाली सरकारों में, बहुत सरकारों में भी नितिन जी हमारे आपके वैक्सीन लगी होगी, वो भी कहीं ना कहीं मुफ्त लगी, मगर उसका कोई बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया की ताकत से लोगों को फ्री वाली बातों को प्रचार करके पहचानने का काम किया। आपने कई चीजें बोल दी इसमें मिसम भाई, एक तो इनके जो सीनियर नेता हैं वो आए, ये भी बोल दिया आपने, इसमें आपने ये भी बोल दिया कि फ्री की योजनाएं जो, जिसमें वैक्सीन हो गया या अन्य चीजें हो गई वो भी हो गया, ये सारे प्रमुख कारण आप मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग किसानों की बात पर बड़ा अडिग थे कि इस बार किसान हमारे साथ है, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पर किसान ही किसान है और वहां से बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई है।
देखिए ऐसा है कि एंड टाइम पर इन्होंने जो भी बातें किसानों से की होंगी वो ये जानते होंगे, अगर उन्होंने ये बातें कही हैं तो मैं शायद उम्मीद करता हूं कि उन बातों को अब जुमला ना कह करके टाल दिया जाए। अगर किसानों को इन्होंने कहा है, देखिए एक बात सुनिए जो मैं आपको बताऊं, देखिए जब ये चर्चा करते हैं डबल इंजन की तो कहीं ना कहीं इंसान को ये लगता है कि एक इंजन स्टैंड बाय है, पीछे पीछे काम कर रहा है। किसानों को लगा कि हो सकता है कि उन्होंने अपनी कस्में खाई हैं, लोगों के तेल मले हैं, दंडवत किया है, हाथ जोड़ा है, मंदिर मंदिर भटके हैं, मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारे भटके हैं, प्रधानमंत्री जी ने कसम खा करके भगवान भोलेनाथ की शरण में बैठ करके हो सकता हो यही दुआएं की हों कि भोलेनाथ अब की जुमला नहीं होगा, जो कहेंगे वो करेंगे। तो हो सकता हो किसानों को लगा हो कि आय दुगनी हो जाए, काला कानून की अब दोबारा बात ना किया जाए, अब किसानों पर गाड़ी ना चढ़ाई जाए, अब बेवाओं और यतीमों और महिलाओं के कपड़े ना नोचे जाएं, और नौजवानों को जो रोजगार देने की बात करी थी 70 लाख नौकरियों की, वो नौकरी दे दी जाए। तो हो सकता हो कहीं ना कहीं अभी भी प्रदेश की जो भोली भाली जनता हो उसको ये एहसास हो कि हमको बुलेट ट्रेन मिल जाएगी यूपी में, अब की बार वो जुमला ना निकल के अब की विकास की बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जनता ने एक बार इन पर भरोसा अगर किया है तो मैं चाहता हूं कि अब की बार ये अहंकार और घमंड को छोड़ करके जनता के हितों की बात करें, और जिसके लिए समाजवाद हमेशा लड़ता आया और जनता के हित के लिए लड़ता रहेगा। और हम तो आपको जो है वो बधाई दे रहे हैं कि आप आइए और जनता के बीच में रह के काम करिए और वादों को जुमला मत। ठीक है ठीक है ठीक है। अंकुर सक्सेना माता तारल्डिस जुड़े हुए। अंकुर भाई क्या हो गया ऐसा कि आप लोगों के गठबंधन काम ही नहीं किए, कोई भी जो फॉर्मूला आप लोग उतार रहे थे कोई भी फॉर्मूला जनता के बीच पहुंचाई नहीं, आप लोग जितनी सीटें पे चुनाव लड़े थे उतनी सीट पर भी आप लोग सही तरीके से फाइट नहीं कर पाए, कुछ ही चीजें कुछ ही सीटें ऐसी थी जहां से आप लोग जीत कर आए हैं, क्या कारण रह गया ऐसा? देखिए नितिन जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ही एकमात्र ऐसा गठबंधन बनकर उभरा जिसने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने में अपने पूर्ण प्रयास से और पूर्ण शक्ति के साथ कार्य किया, और कहीं ना कहीं उनकी विजय पताका में हम लोगों ने उनकी सीटों का अंतर 2017 से 2022 में आप देखिए उनकी सीटों में अंतर ला दिया। नहीं तो ये फायदा तो आपको सपा से मिला मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना तो आपका वोटिंग परसेंटेज कुछ खास बढ़ा है ना बहुत ज्यादा वोट भी आपको मिले हैं। नितिन जी शायद आपने बहुत ध्यान नहीं दिया, जब गठबंधन होता है तो गठबंधन 403 सीट का होता है, भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र भारतीय जनता पार्टी नहीं है, एनडीए गठबंधन है, 24 दलों का संगम है इनके गठबंधन में, पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ा एलायंस है तो भारतीय जनता पार्टी को गिना जाता है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद भी है, जिनने आज दावा कर दिया कि उनके समुदाय के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के रूप में निषाद शाह को देखना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है भाजपा उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी। दूसरी तरफ इन्हीं के गठबंधन में अनुप्रिया पटेल का अपना दल भी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और छोटे छोटे दल हैं जिनने इनका समर्थन इन्हें प्राप्त किया और उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता में सहभागिता 2.85% वोट आप लोग को मिला है, 2.85% वोट खाली आप लोगों को मिला है सपा के साथ आने, नियर अबाउट 3% हम लोगों को वोट मिला है। और आप देखिए हम लड़े हैं 33 सीट से, 33 सीट पे लड़के अगर हम 3% के अबाउट का वोट पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आप सोचिए राष्ट्रीय लोकदल ने अपना हर उस कार्य को कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। दूसरी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए जहां पर हमारी 8 सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने जीती है, टोटल 12 सीटें जो विपक्ष गठबंधन के द्वारा जीती गई है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ये हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन का जितना फायदा हम लोगों को मिलना चाहिए था उतना फायदा नहीं मिल पाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एंड अलायंस आज डेट में सत्ता में, और इसको स्वीकार करने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि आम जनमानस के बीच में हम लोग जिन भावनाओं को और जिस आधार पर जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े गए थे कहीं ना कहीं समाज के एक वर्ग को उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो जो इनके द्वारा 5 किलो राशन दिया गया, कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो समाज में भर संघर्ष कराया गया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आपको क्या लगता है कि किसान आपके साथ क्यों नहीं आए, प्रयास किया गया आपको क्या लगता है कि किसान आप क्योंकि किसानों के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा आप लोग छाती फुला के घूम रहे थे लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप लोगों को किसानों ने वोट नहीं दिया। नितिन जी आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे साथ किसान नहीं है ये आप कैसे कैसे कह सकते हैं? सर आपका वोटिंग परसेंट बता रहा है 2.85 वोट पाए हैं आप लोग। हाँ तो नियर अबाउट 3% अगर हमारा वोट पड़ा है तो समाजवादी पार्टी के भी तो खाते में दिया, गठबंधन में अकेले हम ही थोड़े इलेक्शन लड़े हैं, समाजवादी पार्टी भी तो इलेक्शन लड़ी है उसका भी तो वोटिंग परसेंटेज पड़ा है। तो आप एक ही महसूस कीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे जो कैंडिडेट जीते हैं और जो कैंडिडेट हारे गए या हराए गए, मैं आपके चैनल पर ये बात नहीं कह सकता कि वो किस तरीके से
विजयी रथ पे सवार नहीं हो पाए हैं, लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं वो नियर अबाउट 200, 250, 300 और 1000 वोट के अंतर में 24 लोगों को हार का परिणाम का सामना करना पड़ा है। तो आप कैसे कह सकते हैं किसानों का हमको समर्थन दे रहा है या किसानों का हमको सहयोग मिल रहा है? किसानों ने आपको पूर्ण सहयोग दिया, पूर्ण समर्थन दिया, परंतु किसी परिस्थिति वश अगर वो विजय रथ पे सवार नहीं हो पाए या विजय पताका नहीं फहरा पाए तो आप ये बात नहीं कह सकते कि किसानों का हमारे साथ सहयोग मिल रहा है। किसानों ने पूर्ण समर्थन दिया, पूर्ण सहयोग दिया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एंड अलायंस को हम लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय कह रही थी कि हम लोग 300 प्लस सीटें रहेंगे, उनके अहंकार को अनुमति दिया और हम लोगों ने एक बहुत अच्छी फाइट दी है। और आप इस बात को मान के चलिए कि पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करके 2024 में विजयी पताका फहराना चाहते थे, अब उसका श्रीगण है 2024 में लोकसभा चुनाव में पहले देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर होगा, उसके बाद प्रदेश में 2027 में पुनः हमारा गठबंधन। ठीक। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस जुड़े हुए। प्रदीप भाई, काफी कोशिशें आप लोगों की तरफ से करी गई संगठन को मजबूत करने में भी, कैंडिडेट को लेकर के भी, और कई सारे श्वेत पत्र घोषणाएं आप लोगों की तरफ से की गई। हालांकि पहले ही बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन तब भी आप लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा। अब आगे की क्या रणनीति है और अब क्या फैक्टर वो रहे हैं जो कांग्रेस जनता के बीच जाकर के नहीं पहुंचा पाई? देखिए, जब 2022 का इलेक्शन शुरू होता है उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी की प्रभारी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वो उत्तर प्रदेश में जनता के हर मुद्दे को लेकर के सक्रिय थी। वो चाहे हाथरस की घटना हुई तब भी वो प्रियंका गांधी जी सड़कों पे उतरी, वो चाहे आप देखेंगे जब लखीमपुर की घटना होती है, उन्नाव की घटना होती है, या बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुलिस की बटों से पिटवाया जाता बंदूक की, तो उन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा से सड़कों पर उतरी। और एक राजनीतिक पार्टी का यही कर्तव्य है कि जनता के मुद्दों को लेकर के वो सड़क पे रहे, चाहे वो दिन हो या रात हो। आपने देखा होगा चाहे लखीमपुर की जब घटना घटती है तो प्रियंका गांधी जी रात में ही सड़क पे उतर पड़ती हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए चल देती हैं, अगर पुलिस के द्वारा रोका जाता है तो पैदल ही चल देती हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे वो घर पे ही बैठे थे, देखते हैं जब कि हाँ कांग्रेस पार्टी की मुखिया सड़कों पर न्याय दिलाने के लिए उतरी है तो वो भी प्रयास करते हैं जाने के लिए। मगर एक जो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा पहले से ही, चुनाव पूर्व से ही एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है कि ये जो चुनाव है 2022 का वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को ना मिल करके, ये कांग्रेस पार्टी का मानना है, समाजवादी पार्टी को मिला है। जब मीडिया चैनल को दिखाना क्या चाहिए था कि अगर जनता के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पे थी तो कांग्रेस पार्टी फाइट में होनी चाहिए थी। मीडिया दिखा रहा था नहीं, अखिलेश यादव जी फाइट में, वो एक ट्वीट करते हैं, मायावती जी फाइट में आ जाती हैं, वो ट्वीट करके हाथरस की घटना का विरोध करती हैं, ऐसे लोग फाइट में आ जाते हैं। क्या आधार था मीडिया के द्वारा, कौन से ऐसा उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि उन्होंने इस तरीके की चीजें दिखाई? बात करते हैं कांग्रेस पार्टी को अगर जनता ने स्वीकार नहीं किया तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन रहा होगा। हमने तो मुद्दों की लड़ाई लड़ी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार वादे किए हैं अगर वो उनको पूरा करने में कोई भी कोताही बरतेगी तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेगी और मजबूती के साथ उतरेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं इस प्रदेश की जनता के साथ, उनको भारतीय जनता पार्टी को पूरा ही करना होगा। ठीक है, नवेद शिखो जी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। नवेद भाई, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये पूछना चाह रहा था आपसे कि सैंतीस साल बाद इतिहास रचा गया है, लेकिन जिन मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ा गया, जिसमें किसान सबसे अहम मुद्दा था और लगातार विपक्षी दल किसान के मुद्दे को लेकर के बीजेपी को घूरने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि किसान और जाट इस बार पूरी तरह से सपा के साथ है, लेकिन एक आंकड़ा है और उस आंकड़े पर अगर नजर बनाई जाए तो पहले फेज में 58 में से 46 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती हैं, सेकंड फेज में 28 सीटें जीती हैं और थर्ड फेज में 42 सीटें जीती हैं। यहां पर ज्यादातर किसान और जो पश्चिम वाली बेल्ट है वहां के वोटर हैं, तो ये कैसा माहौल बनाने की और कैसे मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश करी जा रही थी जो सबके सब बीजेपी के पास ही चले गए और समाजवादी पार्टी का कुछ भी नहीं चला? जी, बहुत गलतफहमी में थे तमाम एक्सपर्ट्स और विश्लेषक, और लगातार ये बात कही जा रही थी कि ये शुरू के
फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फेज जो है वो पूरा समाजवादी गठबंधन के फेवर में गया, लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल ये चुनाव को अगर पूरी उसकी समीक्षा की जाए तो उसमें एक एक पार्टी का अगर नाम लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत राजनीतिक दल है, डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी का एक मजबूत चेहरा है, लाभार्थी है बहुत सारे, बहुत बड़ी लाभ देने वाली योजनाएं खासतौर से राशन की, और उनकी एक चुनावी स्ट्रैटेजी रणनीति वो बहुत ही सदी हुई और बहुत मजबूत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अपना आईटी सेल, मीडिया मैनेजमेंट, इन सब चीजों में वो मजबूत है। उसके बाद समाजवादी गठबंधन ने उसको फाइट दी, वो लड़ाई में आई और ये चुनाव फाइट को लग हो गया। इस बात को मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का आज सबसे बड़ा संगठन था समाजवादी पार्टी, का ऑडियो नहीं सही से मिल पा रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए नवीद भाई, आ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ में बीजेपी की लड़ाई थी, गलत शामिल लोगों को इलेक्ट के चक्कर है, लेकिन ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं लाभार्थी जो है बहुत सारे करोड़ों लोग थे इस देश में जो राशन का लाभ ले रहे हैं उसका एक बड़ा फायदा हुआ। दूसरी चीज ये, नरेंद्र मोदी का चेहरा आज भी बहुत लोकप्रिय है, उसकी दीवान के लोगों में ये साबित हुआ है। तीसरी चीज जिस बात की हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं हुआ था, कहीं ना कहीं जो इस तरह के जाहिर बयान आ रहे थे बड़े बड़े नेता हिंदू मुसलमान जरूर हुआ था, और चुनाव में जिस तरीके से किसी भी चुनाव में धार्मिक इनपुट्स नजर आने लगे, हमें मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे नजर आने लगे, तो ये मान लेना चाहिए है कि चुनाव जो है वो ध्रुवीकरण यानी धर्म की किलाबंदी में बनते चला जा रहा है, और इस बात को किसी ने महसूस नहीं किया था, और कहा जा रहा था कि चुनाव जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ है, लेकिन दरअसल ये ध्रुवीकरण की तरफ फहरा दिया था। उसका एक प्रमाण ये भी है कि मुस्लिम विधायक बहुत सारे जीत के आए हैं और मुसलमानों का वोट बहुत पड़ा है, दूसरी तरफ में हिंदू ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा था जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेज बहुत ज्यादा उठाया, और कहीं ना कहीं किसानों का मैटर, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मैटर, स्वास्थ्य का मैटर, कोविड का मैटर, महंगाई का मैटर, कहीं ना कहीं धुंधला कर दिया इस चुनाव में, और वो पीछे चला गया और धर्म सामने आ गया। सामने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश यादव जी ने एक जातिगत एक बहुत बड़ा जाल बिछाया था, एक जाति की जो प्रसाद बिछाई थी वो इसलिए नहीं सफल हो पाई क्योंकि जहां तक धर्म और ध्रुवीकरण सामने आ जाता है वहां जाति की विषाद कमजोर पड़ जाती है। दूसरी चीज ये कि जाति के विषाद बिछाने के लिए तो उन्होंने 5 साल तक तैयारी नहीं की थी, वहां पर तमाम केसेस हुए और बड़े काम हुए जो सरकार के खिलाफ जवान अखिलेश यादव जी जमीन पर नजर भी नहीं आए थे, 6 महीने पहले उनकी तैयारी थी और उन्होंने बहुत अच्छे जो 6 महीने की कम टाइम में जो तैयारी की थी उसको ये कहा जाएगा कि उन्होंने सबसे बड़ी सफलता ये थी कि बसपा और बीजेपी के बड़े पिछड़े जाति के नेताओं को थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से में लाए थे, लेकिन क्योंकि कम टाइम था इतने कम टाइम में उनको एक गलबदलों के तौर पर जनता ने समझा और उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। दूसरे साल जो आप कांग्रेस की बात आपने कही, कांग्रेस इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने अच्छी तैयारी की, अब जिस हिसाब से उसका जनाधार है, जिस हिसाब से उसका उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ भी नहीं रहा है और बहुत ज्यादा वो पीछे पिछड़ चुकी है काफी 3 दशक से, उस हिसाब से प्रियंका गांधी ने अच्छी लड़ाई लड़ी, सड़कों पर नजर आई, लेकिन मुख्य चीज ये कि चुनाव परिपूर्ण किया था और फिर पूरे प्रदेश की आधी जनता ये मान के चल रही थी कि हमें भाजपा का समर्थन कर रहा है, हम भाजपा को जिताएंगे, और एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि हमें भाजपा को हराना है, भाजपा का समर्थन नहीं करना है, तो जो भाजपा के खिलाफ वो सरकार के खिलाफ वर्ग था वो कांग्रेस को पसंद करके भी कांग्रेस के पास इसलिए नहीं आ सका कि उसको लगा कि लड़ाई में समाजवादी पार्टी सामने है, और ये बात सही भी है, समाजवादी पार्टी ने आगे में अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था, समाजवादी पार्टी ने बसपा के बहुत बड़े बड़े नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी जो बहुत मजबूत डबल इंजन की जो सरकार है वहां के नेता वहां के तोड़ के वो ले आए थे, तो ये लगने लगा था कि लड़ाई में
सपा गठबंधन है, इसलिए वो कांग्रेस जमीन पे आ गए। ठीक है नवीन भाई, मैं आता हूँ आपके पास। शाही साहब, अंकुर सक्सेना अरेली से हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बार किसानों का वोट उन्हें ठीक ठाक मिला है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं उसमें ये पता चलता है कि पहले फेज का जो चुनाव हुआ था वहां पर 46 सीट बीजेपी जीती, दूसरे फेज में 28 और तीसरे में 42। ये वही बेल्ट है जहां पर पश्चिम, जहां पर जाट, जहां पर किसान सबसे अहम था और आरएलडी अपने आप को मजबूत बता रही थी। तो अंकुर साहब की बात से आप कितना सहमत हैं और क्या आरएलडी और समाजवादी गठबंधन किसानों को अपने पाले में खींचने में सक्षम रही, या फिर बीजेपी की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को देखते हुए किसानों ने वोट किया? देखिए नितिन जी, पिछले चुनाव में आरएलडी को 1.78% वोट मिला था और इस बार 2.85% वोट मिला है। वोट में कितनी बढ़ोतरी हुई आप देख लीजिए, 35 सीट लड़े ये, 5 सीट जीते, 3 सीट तीन इनके प्रत्याशी सपा के उस पर जीते, हम 8 मान लेते हैं, तो इनका परसेंटेज देख लीजिए कितना होता है। अब ये कुछ भी करें, जनता ने इनको नकारा है। जाट लैंड की बात करते हैं, वहां पर सुरक्षा के नाम पर जनता ने इनको नकारा है। वहां के जाट लोगों का जितना वोट हमको मिला है, आपने अभी गिनती कराया, बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से जिले में एक छपरौली छोड़ दिया जाए तो वहां पर कितने बागपत में कितने सीट इन्होंने जीता, नहीं जीता, छपरौली भी जीता। बाकी आप खुद देख लेंगे कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है उसमें कहां कहां ये जीते हैं। तो अगर जनता ने इनको नकार दिया तो फिर हमारे चीजों को स्वीकार किया। ये लोग जो जो योजनाएं बताते रहे, अभी मिशन भाई ने बहुत सी चीजें बताई, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रबुद्ध जनता को समझाते रहे वो जनता समझ नहीं पाई। वो जानती थी कि हमें किसके साथ सुरक्षा मिलेगी, हमें किसके साथ जो है खाने को मिलेगा, किसके साथ दवाई मिलेगी, किसके साथ हमारे पूरे प्रदेश की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और कौन जात पात या धर्म भेद पर रहेगा, MY फैक्टर किसके पास रहेगा, वो उनको पता था। दंगा कौन करवाएगा उनको पता था, लूटपाट कौन कराएगा उनको पता था। इसलिए जनता ने आपको खारिज किया और भारतीय जनता पार्टी को फिर से ठीक है सर्वोच्च पहुंचाया, जो हमारी बेहतर व्यवस्थाएं थी उस पर भरोसा करते करते या तो आप लोग समझाने में फेल हो गए, जो उनको एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करके चल रहे थे वो नेगेटिव पॉलिटिक्स से जनता यहाँ की उब चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याण की नीतियों में उन्हें भरोसा था, इसलिए हम लोगों को जिताकर सदन में भेजा। ठीक है अंकुर क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे हैं आप? नितिन जी, अभी शाही साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां पश्चिम की जनता को ये पता था कि दंगा कौन कराता है, इसीलिए पश्चिम की जनता ने उन लोगों का उस अध्याय का समापन कर दिया जो जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि दंगा कराते हैं। आपके वहां पर ऐसे ऐसे कैंडिडेट हार गए जो पिछली बार 1 से 1.5 लाख वोट बढ़त के साथ में, अच्छी वोटों के साथ में जीते थे और इस बार वो बहुत बुरी तरीके से हारे। आपका सम्मानित चैनल है, आपको स्वयं पता है कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम की जनता ने जो लोग दंगा कर रहे थे उसको बखूबी दिखा दिया है कि दंगे का दुष्परिणाम क्या होता है। जहां तक सवाल रहा पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन की सफलता था, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने और राष्ट्रीय लोकदल ने बखूबी भारतीय जनता पार्टी के कदमों को रोका, लेकिन निश्चित रूप से हमको आशातीत सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि अगर आज की डेट में आशातीत सफलता हमको हमारी आशा के अनुरूप मिल गई होती तो विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय होते और सत्ता पक्ष के रूप से मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो ये बात भी कही जा रही कि आप लोग 5 सीट जीत पाए और आपका वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, तो इसमें कौन से प्रमुख कारण रहे? अरे भाई, आप जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट को देखकर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी पे आप देख लीजिए राष्ट्रीय लोकदल कोटे में कितने विधायकों का नाम चढ़ा हुआ है। अगर 8 विधायकों का नाम चढ़ा हुआ है तो वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल हैंडपंप पे ही तो जीते हैं, जनप्रतिनिधि है। आप अब वही है भारतीय जनता पार्टी है, इनको ह्यूमर फैलाने में, अफवाह फैलाने में महारत हासिल है तो महारत फैला ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ता। पर इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अपेक्षा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के महोदय कम से कम ये तो बताएं कि आज जो माननीय निषाद साहब का स्टेटमेंट आया है कि उत्तर प्रदेश में निषादों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनका उप मुख्यमंत्री बनना आवश्यक है, उस पर क्या कहना है? क्या उसपे तो मंत्री बना रहे हैं, लोगों की कुछ चर्चा हुई है, मंत्री बना रहे हैं, कुछ सुनने में आया, चर्चा हुई? नहीं, उप मुख्यमंत्री की उनकी इच्छा है, आपके आनुषांगिक दल के रूप में वो लड़े हैं, सहयोगी के रूप में लड़े हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में आप उनको
सहयोग करेंगे। देखिए शाही साहब कुछ कह रहे हैं, अंकुर भाई शाही साहब कुछ कह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी तीनों तीनों उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। सुन लीजिए, हमारे जो सहयोगी दल अपना दल था उससे भी कम वोट परसेंटेज, वो तो 16-18 सीट पर लड़े और 12 जीते। आप कहां की बात कर रहे हैं, 33 लड़के आप 38 लड़के जीत रहे हैं आप 5, तो कहां हैं आप लोग, कहीं नहीं। जनता ने आपको आपके सवाल का पहले ही जवाब दिया, अगर हमको हमारी आशा के अनुरूप सफलता मिली होती तो आज विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में आप होते और सत्तारूढ़ के रूप में हम होते। लेकिन हमने जिस विपरीत परिस्थितियों में अपने को इस वोटिंग परसेंटेज और सीटों को जीता है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ना हमारे पास सेंट्रल में डबल इंजन की सरकार, ना प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, ना हमारे पास चुनाव आयोग था, ना हमारे पास प्रशासनिक मशीनरी थी, और ना हमारे पास ऐसा मीडिया मैनेजमेंट नीति जितना चाहिए था रहा। लेकिन आपने निषाद साहब का जवाब नहीं दिया, आपके सहयोगी है, हम तो आपके ही सहयोगी दल की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो आपके निषाद साहब को मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं। ठीक है प्लीज, ठीक है निशा साहब का क्या होगा, ठीक है मैं आता हूँ फिर आप लोग के पास, दल के सम्मान की करेंगे आप नहीं करेंगे। ठीक है मैं आता हूँ आप लोग के पास। मिसम भाई, प्रदीप जी कह रहे हैं, कांग्रेस से हैं, प्रदीप भाई कह रहे हैं कि एक चुनाव से पहले एक एजेंडा सेट कर दिया गया था जिसमें यह बताया जाने लगा कि लड़ाई इस बार उत्तर प्रदेश की बीजेपी वर्सेस सपा ही है और इसी का जो नुकसान है वो कांग्रेस को पहुंचा है, और समाजवादी पार्टी वो राजनीतिक दल जो जनता के मुद्दों में जनता के बीच भी नहीं पहुंची, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला भी उन्होंने उठाया, कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की तरफ से एक एजेंडा सेट कर दिया गया और उसका पूरा का पूरा जो खामियाजा रहा वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा और इसी वजह से कांग्रेस इतने कम सीटों पर जीत कर। नितिन जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को तो कभी राइवल मानती नहीं है, ना कभी सीरियस लिया वो तो आपको मान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कभी नहीं लिया सीरियस। और अगर आप देखिए तो बड़ी हास्यपद बात कही मेरे भाई साहब प्रदीप जी ने, कभी कांग्रेस विकल्प रहा ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमेशा समाजवादी पार्टी से ही टक्कर सबकी रही है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं है और ना ही कांग्रेस किसी तरह की कोई फाइट में है। लेकिन ये कारण बता रहे हैं आपको? नहीं नहीं, कारण का मैं बता रहा हूँ आपको। जो रही बात अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को डाउन करने के लिए एक कांग्रेस का विकल्प बना करके हमारी श्रीमती प्रियंका जी को, जिन्होंने काफी मेहनत करी, मेहनत सभी करते हैं, बट जो फोकस करा था मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी ने जो राइवल मान करके और जिनका इंटरेक्ट कर रही थी प्रियंका जी का, तो ग्राफ बढ़ाने की कोशिश की गई थी, ये बात सच है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को अपना बी पार्टी बनाना चाहा, मगर बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ प्रियंका जी का कि प्रियंका जी ने उस बी पार्टी को ना बन करके अपनी मजबूती से बात रखी और लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए, जो हम भी कर रहे हैं। हम हर का सम्मान करते हैं, हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते। इन्होंने माननीय राजेंद्र जी का के घर में सो रहे थे तो वो बीजेपी वाली बात कर रहे हैं कि ये दूरबीन लगा के देखते थे कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, और इस पर हम नहीं जाएंगे। और हम माननीय प्रियंका जी के बारे में नहीं कहते क्योंकि एक तो वो महिला भी हैं और दूसरी संघर्षशील हैं और लोगों के दुख में आती जाती हैं। अब रही बात दूसरी, क्या कह रहे हैं, अरे धुआं ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखता था, वो कौन सी दूरबीन लगा रखे थे, सीसीटीवी कैमरा लगा के देखिए, धुआं जो दिखता था वो धुआं दिखने वाली बात ये थी ना कि देखिए ऐसा है कि लखनऊ के अंदर जो है वो कभी कदार बगैर मौसम के लोग उधर से गुजरते थे, धुआं दिख जाता था, तो उस पर हो सकता हो कि कोई अच्छा उसमें दूरबीन नहीं, उन्होंने कहा था मेरे घर के पीछे है। नहीं नहीं, हाँ तो हो सकता है कि उन लोगों ने बताया, पूछा उन्होंने लोगों से। देखिए आज के दौर में खासकर राजधानी के अंदर अब वो दौर नहीं रह गया कि लोग लकड़ी में खाना पकाते हो, खासकर आपने उज्ज्वला योजना से लोगों घर गैस पहुंचवा दी थी तो अखिलेश जी बड़े आश्चर्यचकित रहते थे, अचंभित भी रहते थे कि आज की डेट में ये चूल्हे से खाना कौन पका रहा है, धुआं कहां से उठ रहा है। तो वो तो बात की बात है, धुआं उठ रहा था, वो खत्म हो गया, वो आगे की बात है, हम इस पे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। और रही बात दूसरी, देखिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ तो बहन जी ने जो अपने हाथी पर अपने मत्थे पर हाथी के उन्होंने कमल को सजवा दिया, वो बी टी बन करके अपना उन्होंने जितना भी उनका वोटर था वो कोर कमेटी से लेकर के उनका जो भी जितना अच्छा भी उसका भी एक डाटा है मेरे पास मिसम भाई कि बसपा ने करीब 122 मुस्लिम और यादव कैंडिडेट उतारे थे और जहां जहां उतारे थे वहां वहां से बीजेपी जीती है। हाँ देखिए, यही बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं चाहता हूँ इस तरह का सवाल हो। देखिए
यादव, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण और आपके एससी, एसटी, ओबीसी, इस तरह की राजनीति से हटकर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, ये बात सच है। हम मुसलमान को देख करके वोट नहीं करते हैं, हम यादों को देख के वोट नहीं करते हैं। हमने वोट किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास के मुद्दों को लेकर के, हमने वोट किया कि प्रदेश की सरकार कैसे बढ़े। और एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, अगर कहिए तो मैं कह दूं, अगर बुरा ना लगे हमारे बड़े भाई को, क्योंकि जो हमारे प्रवक्ता हैं, देखिए जब आपका मुखिया सब कुछ बेच देगा और नौकरियां नहीं बचेंगी तो 2 किलो गेहूं को ही दुनिया विकास समझेगी। आप ये बताइए कि हमारे देश में और प्रदेश में कितना आदमी है जो पढ़ा लिखा है, कितना वर्ग है जो मध्यम है और कितना जो अपर क्लास है। गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी बिलो लाइन से भी नीचे के लोग हैं, 60% 70% जो जीवन यापन कर रहे हैं। अगर उनके पास नौकरी नहीं रही और सब आप बेच देंगे अंबानी और अडानी को, सारा देश का पैसा और सारा धन दौलत आकूत उनको लाद देंगे, तो मजबूरी है कि आम जनमानस के लिए ये एक मुट्ठी गेहूं। शाही जी मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा है, ऐसा है तो कल मैं आग्रह करता हूँ नितिन जी को स्टूडियो आने की जरूरत नहीं, मुझे काम करने की जरूरत नहीं, सरकार आपका राशन दे रही है, हम उसी में जीवन यापन 5 साल कर लेंगे और 5 साल बाद देखते हैं फिर क्या होता है। अगर आपकी सरकार नहीं आई तो हम कुछ काम तलाशेंगे, और अगर आ गई तो फिर गेहूं। आप सलामत रहे और एक मुट्ठी गेहूं और एक चम्मच आपका जो नमक है वो मिलता रहेगा, काम चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, उन लाभार्थियों के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिनको काम करने से बच गए, जिनको काम करने से गांव के अंदर जो लोग कहे जाते थे काम धाम नहीं करो, बैठ के नौमन अनाज ऐसे खाते थे लेट करके, तो भारतीय जनता पार्टी वही तो चाहती है कि आप शिक्षा की बात ना करो, आप किसी मुद्दे की बात ना करो, आपको खाना मिल गया आप चारपाई पे लेट जाओ, आप चारपाई पे लेट जाओ, ये रहा तुम्हारा थैला पलंग के नीचे रखा है चारपाई के नीचे, रोटी पकाओ और खाओ। आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे, नहीं आप चाहते हैं ना प्रदेश तरक्की करे, तो थोड़ा गेहूं में और आटे से हट करके और नमक से हट करके आगे की कुछ सोचिए, और बेचने वाली राजनीति को खत्म कर दीजिए। जो ये बेचने की राजनीति है और जो देश को खत्म करने की राजनीति है, देश को बढ़ाने की बात करिए, नहीं कहीं ना कहीं ये सत्यता है। और ये जो एक बात मैं और कहूंगा, जो नावे शिको जी जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, मुझे लगता है ये इतने वरिष्ठ पत्रकार होकर के ऐसी बात कर रहे थे, तो अगर इस तरह के लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इनको जॉब पर आने की जरूरत नहीं है, ये बैठ करके उसी राशन की सेवा लें, राशन खाएं और घर में बैठें और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करें। ठीक है, प्रदीप भाई क्या कह रहे थे? देखिए दो चीजें कहना चाहते हैं कि पहली चीज तो जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव होता है और सत्ता में आने की कोशिश में होती है तो ध्रुवीकरण उसका केंद्र बिंदु हो जाता है। उत्तर प्रदेश को लेकर के जब गृह मंत्री शुरुआत करते हैं चुनाव प्रचार की कैराना से और वहां पे वक्तव्य देते हैं और उन घावों को कुरेदने का काम करते हैं। और दूसरी चीज मैं इनके घोषणा पत्र से ही लेता हूं। घोषणा पत्र में जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम 2 सिलेंडर देंगे होली और दीपावली पे, आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से ध्रुवीकरण करते हैं। आपने होली दीपावली चूज किया, क्या जब ईद आएगी तो मुस्लिम भाइयों के लिए आपका सिलेंडर होगा? क्या जब लोहड़ी का त्यौहार आएगा तो सिख भाइयों के लिए आपका सिलेंडर होगा? नहीं होगा। आप क्या करते हैं? ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हर तरीके से। आपको सत्ता पाने के लिए सबसे सरल उपाय लगता है कि किसी तरीके से चुनाव को धर्म की आड़ में जीत लिया जाए। दूसरी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी, दूसरी अपेक्षा नहीं, कांग्रेस को तो सभी वर्गों का वोट चाहिए, कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका वोट चाहिए। कांग्रेस न सपा बनना चाहती है न कांग्रेस भाजपा बनना चाहती है, कांग्रेस कांग्रेस है, कांग्रेस में हर वर्ग का सम्मान है और कांग्रेस हर वर्ग को जोड़ के साथ में चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी आपसे अपेक्षा करती है, 2022 में जनता ने आपको सत्ता में लाया है, सत्ता सुख आपके पास में होगा, मगर उस सत्ता के सुख को लेने के साथ में आपके पास में जिम्मेदारियां भी हैं। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आपने जो वादे किए इस बार कोई किसान थार गाड़ी से कुचल के ना मरे, उन किसानों के साथ में न्याय हो, सुप्रीम कोर्ट में जा करके उस आरोपी को फिर से जेल भिजवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है।
कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है कि घोषणा पत्र में तो आपने नहीं कहा मगर मुस्लिम भाइयों के लिए भी सिलेंडर का व्यवस्था करिए और सिख भाइयों के लिए भी सिलेंडर की व्यवस्था करिए, फ्री वाले जो अनाज फ्री में दे रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, जिसपे आप बातें कर रहे हैं कि हाँ इस अनाज के दम पे हम सरकार पाएं, तो कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है। और बेरोजगार जब आपसे रोजगार मांगने के लिए आए तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप इस बार उसको पुलिस की बंदूक की बटों से ना पिटवाएं, उसको रोजगार दें, ये कांग्रेस पार्टी आपसे अपेक्षा करती है। ये जरा हनुमानगढ़ में पूछ लेते और छत्तीसगढ़ में जो पीटे गए किसान उनको पूछ लेते। छत्तीसगढ़ में आप बात करेंगे या राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आप कब से पुरानी पेंशन लागू करेंगे? लाखों लोग, लाखों सरकारी कर्मचारी सड़क पे उतर के आया, लाखों कर्मचारी ने यही लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया आपकी सरकार। आप इसी बार आप देखेंगे 304 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे आप बैलेट पेपर से चुनाव हारे हैं। इस बार आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकारी कर्मचारी जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैलेट पेपर में चुनाव में आगे रहती थी, इस बार 304 सीटें हैं, 304 सीटें हैं जहां पे आपको सरकारी कर्मचारियों ने नकार दिया है। क्यों आप पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू कर रहे भाई? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने वहां पे पुरानी पेंशन लागू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भी लागू करे कर्मचारियों के हित में, वरना आपको विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। नवेद भाई आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए नवेश जी को से हमारा संपर्क टूटा हुआ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार बीजेपी की बनेगी ये तय हो चुका है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे के 5 साल उनके लिए कैसे होते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में किन योजनाओं पर बीजेपी काम करेगी और किस तरह से उन्हें विपक्ष का विरोध झेलना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो विपक्ष है वो काफ़ी मजबूती से उत्तर प्रदेश में आया है, चाहे सपा की बात करी जाए या फिर अन्य राजनीतिक दलों की, लगभग सभी का वोटिंग परसेंटेज जो है वो ठीक ठाक बेहतर तरीके से पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है। तो इस बार काम करने में और योजनाओं को जमीनी स्तर पर ना उतार पाने के बाद किस तरह का विरोध मौजूदा सत्ता दल को झेलना पड़ेगा ये देखना अहम है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।